हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एस्केपल रेसिपीज और आज हम बनाना सीखने वाले हैं हमस। हमस को ऑलमोस्ट हम सभी स्टार्टर्स के साथ एज अ डिप यूज कर सकते हैं और पिटा ब्रेड के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो देर किस बात की, चलिए जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने लिए 100 ग्राम काबुली चने, इन्हें हमने रात भर पानी में भिगो कर रखा था। नमक ले लेंगे स्वाद के हिसाब से, पानी लेंगे हम जरूरत के हिसाब से और लेंगे तहनी। तहनी बनाने की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, या फिर स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पर दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। और चाहिएगा हमें एक नींबू, एक कली लहसुन, ऑलिव ऑयल और लेंगे सिका जीरा। ये तो हो गई हमारी हमस बनाने की सारी तैयारी। अब काबुली चनों को कुकर में डाल दिया है हमने पानी के साथ और लगा देते हैं ढक्कन। इसे हाई फ्लेम पर रखकर एक सीटी ले लेते हैं। ये आ गई हमारी कुकर की सीटी। अब कर देते हैं गैस बंद और निकाल देंगे हाथों हाथी बची हुई स्टीम भी। ढक्कन खोलकर एक चने को उठाकर चेक करेंगे। इसका छिलका इस तरह से निकाल कर देखेंगे, आप देख सकते हैं छिलका एकदम आसानी से निकल रहा है। इसका मतलब हमारे चने हमस बनाने के लिए एकदम परफेक्टली तैयार हैं। अब जो हमें करना है वो थोड़ी सी लॉन्ग और मेहनत वाली प्रोसेस है। सारे चनों के छिलके हमें निकालना है इस तरह से। देखिए, अगर आपको अपना फेवरेट हमस परफेक्टली बनाना है तो भाई इतनी सी मेहनत तो करनी ही होगी। लगभग 10 से 15 मिनट में हमारे सारे चने छिलकर तैयार हैं। अब ये ले लिया हमने मिक्सर जार, इसमें लगभग 1 टेबल स्पून डाल दिया हमने तहनी और इसमें ऐड कर देंगे 1 नींबू का रस। 1 मिनट के लिए चला दिया हमने मिक्सर को। अभी इसका फॉर्म परफेक्ट नहीं है, इस पेस्ट को इकट्ठा करके 30 सेकंड के लिए फिर से मिक्सर चलाएंगे। देखिए, ये हो गया है इसका एकदम क्रीमी फॉर्म। इसमें अब डालते हैं 3 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 बारीक कटी लहसुन की कली, 1 टीस्पून डाल देंगे सॉल्ट और ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून सिका जीरा पाउडर। ये सब डालकर मिक्सर को 1 मिनट के लिए और चला लेते हैं। देखिए, एकदम क्रीमी पेस्ट तैयार। अब फाइनली बारी है इसमें चने डालने की और इसी समय इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का। फ्रेंड्स, चने को हम 2 पोर्शन में पीस रहे हैं जिससे कि हमें इसे पीसने में आसानी रहेगी। अब मिक्सर को चलाएंगे 1 मिनट तक। देखिए, ये अभी काफी थिक पेस्ट है, इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और दूसरे चने के पोर्शन को भी पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, बाजार में मिलने वाले एकदम क्रीमी हमस जैसा टेक्सचर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे जरूरत के हिसाब से पानी। यहाँ हम 3 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे पीस लेते हैं लगभग 2 मिनट के लिए। देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर भी लाइट हो गया है और एकदम क्रीमी हमस तैयार। और अब इस हमस को इस तरह से हम सर्व करेंगे। ये तैयार है हमारा सुपर टेस्टी परफेक्ट हमस। फ्रेंड्स, बचे हुए हमस के पोर्शन को हम एक एयर टाइट जार में भरकर रख देंगे फ्रीजर में। इसे लगभग 2 महीने तक हम यूज कर सकते हैं। जब भी यूज करना हो थोड़ी देर पहले निकाल कर रख लेंगे और यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।